बढ़ते अगली खबर को। देश में एक तरफ जहां रोज पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, तो वहीं मेघालय सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर में और कमी कर दी है, जिससे कि राज्य में इन पेट्रोलियम ईंधनों के भाव 5 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा घट गए। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने इसकी घोषणा की। संगमा ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद लिए गए फैसले में राज्य में पेट्रोल का भाव 91 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ, तो आपको बता दें कि 85 रुपये 86 प्रति लीटर हो गया। इसी तरह डीजल प्रति लीटर 86 रुपये 23 पैसे से घटकर 79 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह इन ईंधनों पर 2 रुपये की छूट दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पेट्रोल का भाव कुल मिलाकर 7 रुपये 4 पैसे और डीजल 7 रुपये 1 पैसे सस्ता हो गया है। मालूम हो कि राज्य में वाणिज्य वाहन ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन पेट्रोलियम ईंधन पर वैट कम किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार सिपाहियों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक सिपाही उछलकर नहर में जा गिरा और दूसरा सिपाही घायल हो गया। घायल सिपाही कौशल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, और वहीं नहर में गिरा दूसरा सिपाही उमाशंकर अभी भी लापता बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देकर पिकअप चालक हालांकि मौके से रफचक्कर हो गया, और सूचना मिलते ही एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और आगे की पूरी कार्रवाई में जुट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक जांच की जा रही है कि आखिर जो सिपाही नहर में गिरा, अभी तक वो बरामद उस अभी तक क्यों नहीं हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में 10 तारीख से लापता ऑटो चालक का शव नहर किनारे पड़ा मिला, जिसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। शव मिलने से बता दें कि परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि 10 तारीख को ऑटो चालक के लापता होने के बाद उन्होंने 12 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बावजूद भी पुलिस लापरवाही कर रही थी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ना करके उन्हें संरक्षण दे रही थी, ये परिजनों का आरोप है। बता दें कि अस्पताल की मोर्चरी में पुलिस और परिजनों के बीच झड़प भी हो गई। वहीं इस मामले में एसपी खीरी विजय डुल ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। क्या हुआ था पूरी बात बताइए। जब हमारे आदमी था वो आदमी के पास रिपोर्ट लिखाने गए, तो इन्होंने कहा कि यहाँ जांच हमारी दर्ज हो गई है। हम फिर चले आए उन लड़कों से, इन्होंने कुछ नहीं कहा था। जब हम फिर से गए तो कहने लगे जहाँ तुम घर बैठे जाके हम पूछताछ कर रहे हैं, और ये हमसे वो बचा देते थे, भगा देते थे। साहब हमारे 6 भाई आए हमारे आदमी को ढूंढने, तो इन्होंने इनके परिवार वालों ने फोन कर दिया, तो हमारे 6 भाइयों को जमानत पे छूटे हैं, परसों कल छूटे हैं जमानत। इन्होंने पैसा लेके किसको छोड़ा है? वही लड़का जो लड़के हमारे भाई। आज वाली सदर पर लाहौरी नगर गांव के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पाया गया कि शव के ऊपरी हिस्से को किसी जंगली जानवर के द्वारा नोच के खाया जा चुका है। मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से ज्ञात करने के लिए शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। शव की शिनाख्त वीरपाल नाम के युवक के रूप में हुई, जिसके संबंध में दिनांक 12 फरवरी को थाना सदर में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, और तब से पुलिस और परिवारीजन वीरपाल को ढूंढ रहे थे।